Hello students, I hope you are good at your homes. So today we are going to start the next chapter, that is sound. So before starting this chapter, I would like to ask few questions from your side, that have you ever played hide and seek? Aapne kabhi khela hai apne friend ke saath aankhon pe patti baandh ke, right, to catch them? To aap kaise catch kar paate ho apne friends ko? Can you tell me? Aapki eyes to band hoti hai us time pe. How you are able to locate the लोकेशन ऑफ योर फ्रेंड्स जस्ट बाय हियरिंग? हाँ, सुन के ही पता चलता है कि किस साइड है. अगर वॉइस लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है तो यू विल गो लेफ्ट हैंड साइड, राइट? सो दैट इज़ अ साउंड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो साउंड इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट गेम, राइट? सो दिस इज वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द दिस चैप्टर ऑल्सो. सो वट इज साउंड बेटा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. In the same way, sound is also a form of energy which enables us to hear. जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं किसी चीज़ को, right? That is the sound, right? So we hear a variety of sounds in our surroundings, chirping sound of birds, sound of people talking, and the song and the music, clatter of the utensils, horns of vehicles, ringing of school bells, barking of dogs, buzzing of bees, है ना? बहुत सारी हम नॉइजेज़ सुनते हैं हमारी डेली लाइफ में. नॉइजेज़ नहीं बोल सकते, दे कुड बी द म्यूज़िक ऑल्सो, सॉन्ग भी हो सकता है या फिर अनप्लेजेंट नॉइस भी हो सकती है. तो इट कुड बी एनी थिंग, बट वी हियर सच अ वराइटी ऑफ साउंड इन आर सराउंडिंग, राइट? सो द साउंड प्रोड्यूस्ड इन ईच केस इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स. हर एक केस में, जैसे डॉग का अलग साउंड होता है बार्क करने का, कैट्स का अलग होता है, हॉर्न की अलग वॉइस होती है, सो दे आर डिफरेंट. सो नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ द साउंड. सो वट इज़ इट? The sound is a form of energy due to which we hear our with our ears. हमारे जो ears हैं जिसको सुनने में help करते हैं, that is the sound. So sound is a form of energy due to which हमारे कान सुन पाते हैं, right? And but how the sound is produced? Can anybody tell what how it is produced? Okay, if you know the answer, okay, right. So let us study but how do the vibrations produce sound. तो कुछ vibrations होती हैं जब भी आप बोलते हो. You can keep your hand over your neck while you are speaking, तो you will see some kind of vibrations. आपका गला vibrate करता है जब आप बोलते हो, right? तो vibration से sound कैसे बनता है, let us study. उसके लिए we have an experiment. हमने एक दो nails ली हैं, एक wooden plank के ऊपर उनको गाड़ दिया है, and उनके बीच में एक rubber string, tightly string को टाइटली जो है उसके साथ बांध दिया है दोनों एंड से. एंड व्हेन वी डिस्टर्ब दैट स्ट्रिंग को, हम जब डिस्टर्ब करते हैं तो कीप योर ईयर नियर दैट स्ट्रिंग, आपको वर्ड्स, आपको साउंड सुनाई देगा. तो इट मीन्स जो वाइब्रेशंस होती हैं किसी चीज़ में, उससे साउंड इज प्रोड्यूस्ड, क्लियर? सो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ज़्यादा हाई स्पीड से, उतनी ही शार्प उससे साउंड निकलता है, क्लियर? So in the above experiment, we have observed that rubber band set in a to and fro motion, and when it is plucked, right, this type of motion of an object is said to be vibration. जिसे हम vibration बोलते हैं. If the rim of the steel saucer filled with the water is hit with the spoon, saucer vibrates. तो कभी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी glass of water में fully उसको water से fill कर लो और उसके ऊपर आप स्पून से उसको हिट करें, उसकी ऊपर वाली एंड को, ओपनिंग वाली साइड को, तो यू विल सी रिपल्स ऑफ वाटर इन इट. आप करके देखना इसको. तो इसका क्या रीज़न है? बिकॉज उससे जब व्हेन वी हिट द सरफेस ऑफ द ग्लास ओपन एंड, तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जिसके साथ उसके वाटर वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट शोज अस रिपल्स. हेंस इट कुड बी सेड दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. And if there is no vibration, there is no sound. अगर vibration नहीं हो रही तो sound भी नहीं है. जब आप कभी आपने देखा होगा drum को beat किया जाता है, उसका जो उसकी membrane होती है जो वो vibrate करती है only when we hit it, है ना? जब हम उसको hit करते हैं hardly, then it vibrates and produces sound. तो sound कभी भी तब produce होता है when there is some kind of vibration, clear? So when an object vibrates, its back and forth motion disturbs the surrounding particles which start vibrating, then they cause their nearby particles to vibrate and their disturbance is passed further on, and in this way vibrations propagate through the medium
which they reach our ears. When they reach our ears, we hear sound. Likewise, when the house flies or mosquitoes flap their wings, disturbance is created. So the thing is, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसके साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं आगे वाले, दे ऑल्सो वाइब्रेट. जैसे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, लाइक दीज आर द पार्टिकल्स विच आर टू क्लोजली पैक्ड, राइट. तो जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू दिस पार्टिकल, फर्दर ऐसी ट्रांसफर होती जाती है एनर्जी एंड इट रीचेज अस. तो दिस इज हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. क्लियर? लाइक हमिंग बर्ड इस का भी साउंड आता है वेन एवर मॉस्किटोज हमारे कान के पास से करते हैं, गुजरते हैं, तो दे ऑल्सो प्रोड्यूस द साउंड. तो उनके जो विंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, सो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड. क्लियर? सो दिस इज वट वी कंक्लूड कि दैट जो वाइब्रेशंस हैं दे प्रोड्यूस साउंड. क्लियर? सो वी विल प्रोसीड फर्दर विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशंस. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ड्रम हो गए, फ्लूट्स हो गई, फ्लूट में भी जब हम एयर डालते हैं तो वो वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से साउंड इज प्रोड्यूस. पियानो या फिर सितार में देखा होगा वायर्स को अगर छेड़ दिया जाए तो वो वाइब्रेट करती हैं विच प्रोड्यूस साउंड. तो दिस इज इट. नेक्स्ट कम्स द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर थ्री टाइप्स के होते हैं. वन इज परक्यूशन, अदर स्ट्रिंग एंड विंड. एक तो परक्यूशन जिनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको जैसे ड्रम हो गया, राइट. तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स द वेन द इंस्ट्रूमेंट इज स्टक इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड. जब उसके ऊपर कोई चोट लगानी पड़ती, स्टक किया जाता है किसी हार्ड चीज से, देन इट प्रोड्यूस साउंड, दैट इज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. वेयर एज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा हिला दिया जाता है एंड इट प्रोड्यूस साउंड. लाइक वंस द स्ट्रिंग इज प्लग्ड तो इट प्रोड्यूस साउंड, लाइक सितार हो गया, गिटार, राइट. तो दिस कुड बी वेन एयर इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू वाइब्रेट. जब एयर उसमें फिल कर दिया, एयर पास होती है कुछ इंस्ट्रूमेंट में से, तब वो वाइब्रेट करता है. दैट इज़ द विंड इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक फ्लूट हो गई, सैक्सोफोन, यू कैन सी दिस साइड, दिस इज इट. तो दीज आर द फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस साउंड. क्लियर? ओके. सो दिस इज इट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू मेक अ जल तरंग एंड वट इज इट दैट वी विल स्टडी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.